तो मुंबई बहुत पुरानी जैसी लग रही है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले कैसी थी वैसे लग रही थी, बिकॉज ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा था, पब्लिक जा रहे थे आ रहे थे। ब्लॉग सो आज का ब्लॉग हर वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले किधर और मुलुम के बाहर हम लोग जाने वाले अभी कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि गणपति पापा अभी हम लोग के घर पे आने वाले, ये फर्स्ट ईयर है तो डेकोरेशन वगैरह सामान के लिए अभी हम लोग जाएंगे किधर, और अभी नीचे जाके आपको बताएंगे हम लोग किधर जाने वाले हैं किधर नहीं जाने वाले। तो अभी हम लोग सीधा नीचे आते, देखते क्या होता है क्या नहीं। चलो तो नीचे जाने से पहले हम लोग सबसे पहले मास्क लगाएंगे, क्योंकि सेफ्टी इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो बिना मास्क के हम लोग नीचे अलाउड नहीं है जाने के लिए, तो अभी हम लोग मास्क लगा के नीचे जाएंगे। चलो और ये सबसे पहले अभी हम लोग जाने वाले प्रॉफिट मार्केट। प्रॉफिट मार्केट में डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, गणपति का डेकोरेशन कुछ भी रहेगा इधर बहुत सस्ता मिलता है। इधर पीछे मेरा भाई गाड़ी का सेटअप कर रहा है, फिर अभी हम लोग जाएंगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए चलो सिनेमैटिक अभी देख लो। परे ला चुके हैं, तो बीच बीच में बारिश गिर रही थी, पर ज़रा सी गिर रही थी अभी, इसकी वजह से विंडशीटर भी पहना पर वो कुछ काम का नहीं हुआ, बिकॉज ज़रा सी बारिश गिर गई और ख़त्म हो गए। अभी परे ला चुके हैं, देखते हैं अभी और किधर किधर जाने के आगे, एंड चलो देखते हैं। डी बाजार में उतर चुके हैं, उसके बाद हम लोग जाने लगे मेटल मार्केट में, उधर बहुत अच्छे चीपेस्ट प्राइस में सब कुछ मिलता है। तो अभी हम लोग उधर जाएंगे मेटल मार्केट में, फिर देखते क्या होता है क्या नहीं, क्या क्या मिलता है, कौन से चीपेस्ट प्राइस में सब कुछ मिलता है, देखते फिर। A few moments later. So, मुंबई बहुत पुरानी जैसी लग रही है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले कैसी थी वैसे लग रही थी, बिकॉज ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा था, पब्लिक जा रहे थे आ रहे थे, पब्लिक अपने पुराने काम में वापस आ चुके हैं, अपने जॉब पे वापस आ चुके हैं, अनलॉक हो चुका है, और मुंबई पहले जैसी है वैसे लगने लगी है। अभी हम लोग आ चुके हैं स्टील मार्केट में, जो स्टील मार्केट में हम लोग गणपति का सब सामान लेने वाले हैं, निरंजन से लेके सब कुछ आरती में जो जो लगता है वो लेने वाले हैं। तो देखते हैं इधर कैसा मिलता है, कौन से रेट में मिलता है, क्या अभी भी प्राइस लो है कि गणपति की वजह से, गणपति के सीज़न की वजह से प्राइस हाई हो चुका है। तो चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं अंदर, चलो फिर। तो ये पूरा स्टील मार्केट है जैसे कि आप देख सकते हो।
सब गणपति का ताल वगैरह सामान ले लिए, अभी भुलेश्वर मार्केट जा रहे हैं। तिकड़े कैसे है? कंटी हार, कंटी और हार लेने के लिए अभी हम लोग उधर जा रहे हैं भुलेश्वर मार्केट, तो चलो चलते उधर। चेंज कर लिया था, अभी हम लोग भुवनेश्वर मार्केट नहीं गए, हम लोग सीधा प्रॉफिट मार्केट है, तो उधर लाइट बिट सब लोग हम लोग ने खरीद लिया है एंड फूल भी खरीद लिया है। देखते हैं अभी आगे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि अभी बारिश भी बहुत जल्दी आने वाला है। शायद से ब्लॉग यही एंड कर सकता हूँ क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, बारिश भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो देखते क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल तो अभी लाइट ले रहे हैं और हो गया हम लोग का, और आपको वो वीडियो देखना है जिसमें गणपति की मूर्ति कैसे बनाया जाता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वो जल्दी से जाके देखो, बहुत मज़ा आएगा। और हाँ चलो देखते हैं अभी कंटिन्यू करते क्या होता है क्या नहीं। A few moments later. So, अभी रात के 8 बज रहे हैं, अभी हम लोग लालबाग आ चुके हैं। लालबाग में हम लोग को पर्दा खरीदने का है गणपति के बैकग्राउंड के लिए, तो हम लोग वो खरीदने के लिए शॉप में जाने वाले, देखते क्या होता है क्या नहीं, कैसा पर्दे की क्वालिटी मिलती है कि नहीं जो हम लोग को चाहिए वो। चलो देखते हैं अंदर। तो अभी हम लोग ने पर्दा वगैरह सब खरीद लिया है, अभी बाकी का सामान है जो हम लोग मुलुंड से खरीदेंगे, तो तब तक के लिए अभी ये वीडियो यही एंड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, बहुत जल्दी 1K होने वाला है।